right? So distance formula when parametric coordinates are given. Parametric coordinates are given, right? अब देखिए यहां पे बात में मुझे यही बतानी है कि इसमें कुछ नहीं करना होता. यू हैव टू यूज द सेम डिस्टेंस फॉर्मूला एज यू यूजेस इनटू द कार्टेशियन फॉर्म. जो कार्टेशियन फॉर्म में यूज करते थे वही यूज करना है. तो फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि ये यहाँ पे दो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे एंड देन यू हैव टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला इन द सेम वे. नो चेंजेस आर देयर. सपोज पैराबोला है, पैराबोला में दो पॉइंट्स गिवन है तो उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट्स दिए होंगे ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन. ए टी वन स्क्वायर में इसको प्रॉपर लिखता हूँ ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन. सपोज एक से ज्यादा अगर पैरामीटर यूज करना है तो टी वन टी टू टी थ्री, राइट? सपोज जनरल कोऑर्डिनेट्स हमने इसमें पैराबोला पे लिखा था ए टी स्क्वायर. दिस इज द ए टी स्क्वायर 280 and t is the parameter. Suppose more than one parametric coordinates are there onto the parabola. So उसमें फिर ऐसा करेंगे कि a t1 square 281, a t2 square 282. This is the second point. And third point अगर होगा a t2 square 283 हो जाएगा, a t3 square 283 हो जाएगा, t1 t2 t3. राइट. सो लाइकवाइज वी कैन राइट द मेनी पॉइंट्स, ठीक है ना? उस तरह से लिख सकते हैं. अभी यहाँ पे अगर एक पॉइंट है ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन है, सो सेकेंड पॉइंट सपोज हम ले लेते हैं ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू. एंड दीज आर द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स एंड दीज आर ओनली पॉसिबल ऑन द पैराबोला. देखिए पैराबोला ये मैंने आपको पिछले केस में करके दिखाया था कि बिकॉज these type of coordinates at square 280 यही parabola को satisfy करते हैं, इसीलिए इन्हीं की possibility हो सकती है इस particular इस parabola पे. और ये किसके लिए है? ये आपका parabola y square equal to 4ax वाला है. there are four types of parabolas also और उसमें भी changes हो सकता है, shifting वगैरह हो सकती है, वो सभी हम सीखने वाले हैं आगे, ठीक है? अगर standard parabola ये given है और standard parabola में ये जनरल कोऑर्डिनेट इस पे लाई करते हैं होते हैं, ठीक है? और इसी तरह से दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड अगेन वी हैव टू यूज द सेम डिस्टेंस फॉर्मूला. तो उसकी पॉइंट इतना ही है कि यू हैव टू यूज द सेम डिस्टेंस फॉर्मूला एज यू हैव यूज इनटू द कार्टेशियन फॉर्म. तो वो हमने कैसे यूज किया था? तो यहाँ पे पी क्यू लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन. सो दिस इज ए टी टू स्क्वायर, दिस इज द एक्स टू माइनस एक्स वन, ए टी वन स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2at2 माइनस 2at1 होल स्क्वायर. और फिर इसको सिंपलीफाई कर दिया जाता है. ये यहाँ मैंने जनरल फॉर्म में लिख के छोड़ा और इसमें कुछ कंडीशन वगैरह दी होती हैं, सो इट कैन बी सॉल्व फर्दर. अभी मान लीजिए इसी तरह से अगर आपको सॉल्व करना है तो अल्टीमेटली इस तरह से लिखा जा सकता है इसको. सपोज ए स्क्वायर यहाँ से भी बाहर आएगा, a square aega, so a is total outside, right? Now this is t2 square minus t1 square, so ultimately t2 minus t1 and t2 plus t1, right? Or whole square dono pe aa jayega and plus this is 2 times, so 4 times ho jayega and a is already outside, so this can be written as t2 minus t1 whole square. और अगर इसमें से आप t2 माइनस t1 स्क्वायर को बाहर रखें तो बाहर निकलेगा रूट से t2 माइनस t1, राइट? और जो वैल्यू बचेगी तो ये बचेगी t2 प्लस t1 होल स्क्वायर प्लस 4. तो देखिए ये मैंने आपको वो चीज बता दी जो आगे चल के हम पैराबोला में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर दो पॉइंट्स पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए हों तो उनके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला यही लगता है, ठीक है? सो दीज आर द टू डिफरेंट पॉइंट्स. तो खाली पॉइंट इतना ही था कि इन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो यू हैव टू यूज द सेम कार्टेशियन फॉर्मूला, उसी तरह से यूज करते हैं, सिंप्लीफाई भी वैसे ही
करते हैं, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं।